दिल्ली के अंदर दिल्ली विकास प्राधिकरण उद्यान खंड 10 नरेला पार्कों की हालत खस्ता। आपको बता दें कि अभी दिल्ली में गर्मी ठीक से हुई भी नहीं है, ऐसे में पार्कों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि पार्कों की घास वह बिल्कुल सूख गई है और पार्कों में धूल उड़ रही है। ऐसे में सवाली निशान यह है कि जब DDA के कर्मचारी व बड़े अधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए कि पार्कों की हरी भरी घास सूखने लगी है और अभी गर्मी ठीक से पड़ी भी नहीं है, तो ऐसे में जो पेड़ लगाए गए हैं वे भी लगातार तेज गर्मी के कारण सूख जाएंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पर माली है उनसे भी बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि नरेला में पानी की समस्या है, जिसके चलते बोरवेल भी पानी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो पानी की व्यवस्था के लिए अधिकारियों ने भी कई बार पत्र लिखे, लेकिन पानी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के पार्क सूखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में टैंकरों से भी पानी नहीं दिया जा सकता, तो पानी की समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है और यदि समय समय पर बारिश भी नहीं हुई तो यह पार्क सूख जाएंगे और नरेला की जनता को घूमने के लिए हरे भरे पार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें हरियाली के लिए लोग बाग आते हैं और ठंडा शुद्ध वातावरण और शुद्ध सांस लेने के लिए लोग पार्क में आते हैं। यह सभी सुविधाएं यहाँ से खत्म हो जाएंगी। और जी ये जो जब सिविल लाइन की जो ये NCC पानी आएगा ना, जब देखो प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा है, तो टैंकर से नहीं डाला जाता कभी पानी में, पार्कों में टैंकर से थोड़ी डाला जाएगा जी। ये तो गार्डन में जो पेड़ लगाते हैं ना, जो टैंक बना रखा है, यो बंद पड़ा है टैंक। टैंक तो जी सप्लाई के लिए है, ये हमारे हॉर्टिकल्चर के लिए क्यों देंगे जी? सप्लाई के लिए है ये, इनका ये तो हमारे अंडर भी नहीं आता, ये तो हाउसिंग के अंडर है। हमारे को पानी दे दे हाँ, तो हमने कोई इतराज थोड़ी है। अच्छा, समस्या ये पानी की है? हाँ, पानी की हमारे यहाँ। अच्छा, नए पौधे वोधे भी लगाए हैं अभी? नए पौधे तो जब लगाएंगे ना जी, पानी पुराने वाले सूख रहे हैं अभी तो। हाँ, अभी तो पुराने वाले सूख रहे हैं। इफ देखो ना, यहाँ एक ट्यूबवेल चल रहा है और वो हम दिन रात चलाते हैं उसको, मड़ा मड़ा पानी देता है। मतलब ये जो थोड़े बहुत बच रहे हैं। हाँ, ये वैसे ये ट्यूबवेल चल रहा है जी, ये देखा। और ये भी है ना जो झटके मारने लग जाता है, ये घनी समस्या है पानी की ना, नरेले के अंदर जी पानी की समस्या और कोई नहीं। अधिकारी को बोलता कोई ना समस्या, ये भी अधिकारी जी, अधिकारी तो बहुत लिख के देता है जी।